मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्म और रूह इन दो चीज़ों के मुरक्कब से पैदा फरमाया है। जिस्म के बनने का निज़ाम और है और रूह के बनने का निज़ाम और है। जिस्म किसी और जगह बनता है और रूह कहीं और से आती है। जिस्म ज़मीन और ज़मीन की ग़िज़ाओं के मुख्तलिफ मराहिल पेश दर पेश से वक़द ख़लक़कुम अतवारा, वो मुख्तलिफ शक्लें बदलता 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 एक रूप में ढलता है। और रूह एक लतीफ़ अल्लाह का अमर है जिसका इल्म इंसान को नहीं दिया गया। यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला क़लीला, के रूह एक अल्लाह का अमर है जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है, लिहाजा उसकी तफसील तुम समझ नहीं सकते हो। रूह आसमान से आती है, जिस्म ज़मीन में बनता है, फिर चार महीने बाद अल्लाह उसको आपस में जोड़ देता है, ज़िंदगी मुतहर्रिक हो जाती है, रूह ही के साथ ज़िंदगी की बका रहती है। जब अल्लाह उससे वापस निकाल लेता है तो सारे टाइटल हटकर सिर्फ एक नाम सबको मिल जाता है और वो मैयत का होता है। वो हज़रत मौलाना हो, वो कोई डॉक्टर हो, बादशाह हो, सदर वज़ीर हो, सारे एजाज टाइटल हटाकर उस पर मैयत का लफ्ज़ मोहर लग जाती है। उसमें से क्या निकला है? हर चीज़ तो मौजूद है, अब ये बोलता क्यों नहीं, उठता क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं, उसमें से रूह निकल गई है। रूह हमारे जिस्म की असल है, उसे निकाल दो तो जानवरों को भी पता है कि अब ये बेजान चीज़ है, चींटियाँ कीड़े मकोड़े भी उसको खाने लग जाएंगे, जानवर भी खाने लग जाएंगे, ज़मीन भी उसको गलाने लग जाएगी, हवाएं उसको मुतगैर करने लगेंगी। रूह इंसान के अंदर एक चलता हुआ ज़िंदगी का कारवां है, उसे जब अल्लाह वापस बुलाता है तो अल्लाह यतवफ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। मौत क्या चीज़ है, इसके 200 जवाब हैं साइंस की किताबों में। 200 जवाब वजात खुद बता रहे हैं कि ये एक जवाब भी ठीक नहीं है। और कुरान एक जवाब देता है और वही हरफ आखिर है, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत, अल्लाह यतवफ़ल अनफुस हीन मौतिहा, अल्लाह जो तुम्हारी रूहों को मौत के वक्त खींच लेता है, तुम्हारे जिस्म से निकाल लेता है। तो मेरे भाइयों, मौत के वक्त इंसान दो कैफियत में होता है। कुछ लोगों की रूह ऐसी निकल रही होती है कि उनके रग रग में वो फंस रही होती है, फंस रही होती है। वलौ तरा इज यतवफ्फल लदीन कफरुल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, काश तुम देख सकते वो मंजर जब अल्लाह के फरिश्ते नाफरमानों की रूह को निकाल रहे होते हैं तो उनके मुंह पे भी मारते हैं, उनकी कमर पर भी मारते हैं। और अखरजू अनफुसकुमुल यौम, निकालो आज अपनी रूहों और जानों, अब तुम बच नहीं सकते हो। वो पीछे हटना चाहते हैं, रब्बिरजिउन, मुझे वापस कर दे थोड़ी देर के लिए, लअली अअमलु सालिहन, अब मैं पूरा पूरा ठीक ठीक मुसलमान बन के चलूँगा। तो उसके जवाब में होता है, और हदीस पाक में आता है कि मलकुल मौत उतरता है, उसके साथ चार फरिश्ते होते हैं, वो चारों फरिश्ते आते हैं, उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। अभी परसों ये हदीस मैंने पढ़ी इब्नु माजा में कि मलकुल मौत कहता है, अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा कानत फिल जसदिल खबीस, ए खबीस रूह जो खबीस जिस्म में थी, उखरुज बाहर आओ। अब वो वापस तो हो नहीं सकता, अपने आप को रोक तो सकता नहीं, तो वो हैरान परेशान खौफ ज़दा, तो उसके जवाब में उसको मलकुल मौत कहता, अबशरी अबशरी बहमीमिन व गस्साक व आखर मिन शक्ल ही अजवाज, तैयार हो जा खौफनाक अजाब के लिए और खोलते पानियों के लिए, कांटेदार झाड़ियों के लिए और बेशुमार अजाब की शक्लों के लिए। तो उसकी रूह को जब खींचते हैं तो रग रग से वो कट कट के निकलती है, तो सारा वजूद ज़ेरो ज़बर होता है, सकरात का दर्द सारी दुनिया के दर्दों पर हावी है,
जब उसकी रूह निकलती है और उसको लेकर आसमान पर चलते हैं तो दरवाजे पर पहुंचते हैं तो अंदर से फरिश्ते पूछते हैं कौन है, कहते हैं फलां फलां का बेटा है। का नफ्सुन खबीसा फिल जसद खबीस, ये तो वही बदमाश है जो बदमाश जिस्म में था, ये वो बदबخت रूह है जो बदबخت जिस्म में थी, इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोल सकते, इसे वापस कर दिया जाए। तो आसमान के दरवाजा तो फतह लहुम अबवाब समा वला यदखुलून अलजन्नत हत्ता यलज अलजमल फी सम अलखयात, कि इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे और इनके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे, फिर ये वहाँ से नीचे गिराए जाते हैं जो अल्लाह का कैद खाना है सिज्जीन। वमा अदरा कमा सिज्जीन किताब मरकूम, वो तुम्हें ख़बर नहीं कि वो क्या खौफनाक कैद खाना है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, उसे वहाँ धकेल दिया जाता है। फिर क़यामत तक उसके लिए इंतज़ार की घड़ियाँ हैं और अजाब की शिद्दत है। और जब कोई नेक आदमी अल्लाह ताला के दरबार में जाने का उसका वक्त आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور الرحيم। जब कोई नेक मर्द औरत के जाने का वक्त आता है तो उसके लिए भी फरिश्ते आते हैं और आकर उसको खुशखबरी देते हैं और आकर उसको तसल्ली देते हैं कि आप गम ना करें, पीछे वाले भी आपको मिल जाएंगे, आप खौफ ना करें, आगे सारी मंजिलें आपके लिए आसान हैं, आपके लिए जन्नत भी तैयार है, रब भी मेहरबान है। और हदीस पाक में आता है कि मलकुल मौत और चार फरिश्ते आते हैं, वो चार फरिश्ते उसको सहलाते हैं, दबाते हैं कि मौत का दर्द इसे महसूस ना हो। और मलकुल मौत फरमाते हैं अय्यतुहन नफ्सुल हमीदा कानत फिल जसद अल हमीद उखरुजी, ए नेक रूह जो नेक जिस्म में थी बाहर आओ, क्या करो, व अबशरी बिरूहिन व रायहान व रब्बिन रादिन अनकी गैर गज़बान, आपको बशारत हो आपके लिए जन्नत तैयार हो चुकी है और वहाँ की सारी नेमतें आपके लिए मुयसर हो चुकी हैं और अल्लाह आप पे राज़ी हो चुका है और अल्लाह आप पे खुश हो चुका है। इस पर उसकी रूह को निकाला जाता है, फिर सारे फरिश्ते उसको इस्तकबाल के साथ जब आसमान पर ले जाते हैं तो अंदर से पूछते हैं कौन है, का फलां फलां का बेटा, फलां फलां की बेटी, कहते हैं नफ्सुन हमीदा फी जसदिन हमीद, ये तो नेक रूह थी जो नेक जिस्म में थी, मरहबम बही, इसको हम सब इस्तकबाल किसका करते हैं। और एकदम आसमान के दरवाजे खुलते हैं, फिर वो पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे आसमान पार करता हुआ अल्लाह पाक के अर्श के नीचे के जाकर, मर्द है या औरत, वहाँ जाकर सजदे में सर रखता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ इसने हमें खुश किया, हम इसे खुश करेंगे और उसको आफियत के साथ वहाँ आसमान में, पहले आसमान से लेकर अल्लाह के अर्श तक ये सब वेटिंग रूम बने हुए जहाँ अल्लाह अपने अपने दर्जात के मुताबिक जन्नत वालों को ठहराता है और वो इंतज़ार गाह है और वक्त ख़त्म हो जाता है, लिहाजा इंतज़ार की जो तकलीफ़ है वो भी ख़त्म हो जाती है। वक्त ख़त्म तो इंतज़ार का एहसास ख़त्म और टाइम के गुजरने का एहसास ख़त्म। तो जैसे असहाब कहफ को अल्लाह ने गार में दाखिल करके तो गार के अंदर से वक्त को निकाल के बाहर फेंक दिया, बाहर 300 साल गुजरे, अंदर आधा ही दिन गुजरा था, वो जब उठे हैं तो वो 25 बरस का नौजवान 325 साल का होकर नहीं उठा, वो 25 साल की उम्र में उठा है, ना नाखून बड़ा है, ना मूछें बड़ी हैं, ना उनकी दाढ़ियाँ लंबी हुई हैं, क्योंकि तो जिंदा थे, मर नहीं गए थे, तो जिंदा के तो बाल भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं, लेकिन वो इस तरह उठे कि 300 बरस गुजर गए और 25 बरस का नौजवान 25 साल की उम्र में उठा है, 20 बरस का 20 बरस की उम्र में उठा है। और वो कहने लगे कम लबिस ना, भाई कितना ठहरे हैं, का यौमन ओ बादा यौमन, लगता है कोई दिन आधा दिन ठहरे हैं, वो सही कह रहे थे। बाहर अल्लाह ताला ने वक्त की घड़ी को चलाए रखा और अंदर गार में उसको स्विच ऑफ कर दिया, निकाल दिया, यहाँ वक्त को दाखिल नहीं होने दिया। तो वक्त के गुजरने से जो भी असरात मुरतब होते हैं वो उन पर मुरतब नहीं हुए, तो वो 20
आधे ही दिन के बाद उठे हैं, बाहर 300 साल, अंदर आधा दिन। यही कुछ अल्लाह तबारक व ताला बरज़ख में कर देता है, वक्त को ख़त्म कर देता है, गुजरने का एहसास नहीं होता है। तो इस तरह मेरे अजीज़ो, ये दो मौतें इंसान, हर इंसान देखता है, या वो जन्नत के फरिश्तों का इस्तकबाल देखता है, या जहन्नम के फरिश्तों की मार और पिटाई को सहता है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने रात को फौत हुई तो उन्होंने अपनी खादमा को बुला के फरमाया कि किसी को बताना नहीं, जब मैं मर जाऊँ तो पड़ोस में दो चार को बुला कर ना मेरा जनाजा पढ़वा देना, और जिस कुर्ते में मैं तहज्जुद पढ़ती थी वही मेरा कफन बना देना, और सुबह बेशक लोगों को बता देना, मेरे मरने के बाद मेरी मैयत को रखना नहीं, फौरन दबा देना। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने पड़ोस के दो चार 10-20 आदमी बुलाए और उनको तदफीन तजहीज सब कुछ हो गई। सुबह शोर मचा के वो राबिया बसरी का इंतकाल हो गया। तो अगले दिन वो ख्वाब में इस खादमा को मिली और कहा, बेटी तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी वसीयत के मुताबिक अमल किया। उसने देखा कि उन्होंने एक खूबसूरत सब्ज लिबास पहना हुआ है, तो वो फरमाने लगी, इन्होंने सवाल किया कि आपके साथ कब्र में क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि मेरे पास मुनकर नकीर आए थे और मुझसे कहने लगे, मन रब की, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, 40 बरस जिसको मैं न भुला सकी, उसको चार हाथ ज़मीन में आके मैं भूल जाऊँगी। इनका 42 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ था। तो वो कहने लगे, सुबहान अल्लाह, जिसको मैं 40 बरस न भुला सकी, मैं उसे चार हाथ ज़मीन के अंदर आके भूल जाऊँगी। तो मुनकर नकीर कहने लगे, इसका क्या हिसाब लेना? फिर उन्होंने पूछा कि वो आपका वो कुर्ता कहाँ गया तहज्जुद वाला, जिसमें आपको कफन दिया था, का वो अल्लाह ने मुझसे ले लिया है और मेरे आमाल के ख़जाने में रख दिया है, क़यामत के दिन मेरा वो कुर्ता भी मेरे तराजू में तोला जाएगा और मुझे ये लिबास पहनाया है जो जन्नत का लिबास है। ये भी एक मौत है, इस तरह भी लोग मरते हैं। और दूसरी भी एक मौत है, हमारे इलाके की बता रहा हूँ, अपने इलाके की। एक ज़िम्मेदार मर गया, उसकी कब्र खोदी सारी बिच्छुओं से भरी हो, ऐसे जैसे चींटियां फिर रही थी, तो उन्हें वो बंद करके दूसरी खोदी, सारी बिच्छुओं से भरी हो, फिर वो बंद करके तीसरी खोदी, सारी बिच्छुओं से भरी हुई। कब्रिस्तान में इतने बिच्छू कहाँ से आ गए? ये ज़मीन के बिच्छू नहीं है, ये आखरत की बलाएँ हैं जिसके साथ अब उससे क़यामत तक रहना है और गुजारा करना है। तो ये दो तरह की मौतें, रोज़ाना लोग मरते हैं। जब नमाज का वक्त होता है, मलकुल मौत सारी दुनिया का चक्कर लगाता है और देखता है कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। जो नमाज की पाबंदी करता है उसकी मौत आसानी से होती, जो नमाज में गफलत करता है उसके साथ मौत के वक्त शिद्दत और सख्ती इख्तियार की जाती। तो भाइयों, ये एक जिस्म है, एक रूह है। रूह बाकी रहने वाली चीज़ है, जिस्म मिट जाता है, फिर अल्लाह से क़यामत के दिन नया जिस्म अता फरमाएगा, एक नया जिस्म दिया जाएगा। रूह वही है जो अल्लाह के ख़जानों में जमा हो जाती है। नाफरमान की स्याह काली रूह होती है, फरमा बरदार की रोशन चमकदार रूह होती है। तो अल्लाह ने कुछ तकाजे जिस्म के रखे हैं और कुछ रूह के रखे हैं। जिस्म के तकाजे पूरे न करो तो ये परेशान हो जाता है, रूह के तकाजे पूरे न करो तो ये परेशान हो जाती। रूह की परेशानी जिस्म से ज़्यादा है, चूँकि रूह की ताकत जिस्म से ज़्यादा है। जिस्म मट्टी से बना है, इसकी ग़िज़ा भी मट्टी से निकलती है। रूह आसमान से है, इसकी ग़िज़ा भी आसमान से है। रूह का ताल्लुक जब तक अल्लाह से नहीं जुड़ता, इससे भूख और प्यास लगती रहती है। जिस्म को जब तक रोटी और पानी ना मिले, ये तड़पता और परेशान रहता है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रोटी और पानी की तलब को बेसाख्ता रख दिया है। मैं बयान के दौरान भी पानी पी रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मुझे मेरा हलक सूख जाता है, मुझे तलब महसूस होती है, पानी हलक सूखता है, पानी की तरफ भागते हैं, भूख लगती हम रोटी की तरफ भागते हैं। ये एक ऐसा अंदर में ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हम इसको ऑफ नहीं कर सकते। ये सोते सोते भी भूख की वजह से आँख खुल जाती, सोते सोते प्यास की वजह से आँख खुल जाती है। ये ऐसा खुद अल्लाह ताला ने साख्ता निज़ाम बनाया है कि आप अपने जिस्म में रोटी और पानी की तलब को नहीं निकाल सकते। मेरे अजीज़ो, ठीक इसी तरह अल्लाह ने इंसानी रूह में अपनी तलब रख दी है।
और अपने रसूल की तलब रख दी है। ये दो तलब ऐसी हैं कि ये आपके जिस्म रूह से निकल नहीं सकती। जैसे भूखा रोटी ना खा ले, प्यासा पानी ना पी ले, उसे चैन नहीं आ सकता। वो रूह जो अल्लाह और उसके रसूल से ना आशना है, जब तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं जाती उसे चैन नहीं आ सकता, उसका अंदर परेशान रहेगा। 1997 में जब जुनैद जमशेद से मेरी पहली मुलाकात हुई तो उसने मुझसे ये सवाल किया कि मौली साहब, एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है, वो ग्लैमर तो मुझे ज़िंदगी में वैसे ही हासिल है। मेरे चारों तरफ ज़िंदगी का रक्स है और मैं, मेरी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश हर तमन्ना पूरी है, इसके बावजूद मेरे अंदर अंधेरा है, मेरे अंदर खला है। मुझे लगता है मैं वो कश्ती हूँ जिसका कोई साहिल नहीं, जिसकी कोई सिमत नहीं। www.dasquran.com ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आम लड़का तो कहता है हाय काश ये होता, उसको वो नहीं हो रहा तो फिर वो परेशान है, हाय ये होता, हाय वो होता। तो मैं तो हाय नहीं करता हूँ, मेरी तो हर लज्जत और ख्वाहिश मेरे सामने तश्तरी में सजा के पेश की जा रही। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं हाय हाय क्यों कर रहा हूँ, मेरा अंदर वीरान क्यों है, मेरे अंदर में खला क्यों है? ये वही खला है कि रूह, वो रूह की प्यास को शराब में बुझाना चाहता है, वो रूह की प्यास को लड़की में बुझाना चाहता है, वो रूह की प्यास को मौसीकी से बुझाना चाहता है, वो रूह की प्यास को दुनिया की रानाइयों में 5-स्टार होटलों से बुझाना चाहता है। रूह क्या जाने रोटी क्या है, शराब क्या है, पानी क्या है, औरत क्या है, मौसीकी क्या है, घुंघरू क्या है, पायल क्या है, छंकार क्या है, रूह को इन चीजों की क्या खबर। अमेरिका में हमारी एक जमात थी तो चार लड़के दो लड़के मुसलमान हैं। तो एक लड़के का नाम रखा था इब्राहिम, और उसको जब पढ़ाया ना कलमा, उन्होंने कहा हाय, उन्होंने कहा हाय, वो दोनों हाथ यहां रखे सीने पर, दिल पर कहा हाय। तो हमारे साथी हैं डॉक्टर अख्तर, वो कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ, कहने लगा जब से होश संभाला ये जगह खाली थी, ये तेरे कलमा पढ़ाने पर भर गई है, मेरी खुशी से हाय निकल गई, ये जगह खाली रहेगी, यहां शराब नहीं पहुंच सकती, यहां नगमा और मौसीकी नहीं पहुंच सकती, यहां ताले लगे हुए हैं, यहां तक कोई आवाज नहीं जा सकती, दिल के तारों पर एक ही नगमा छड़ सकता है और वो अल्लाह की याद का है और अल्लाह की मोहब्बत का है और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का है, बाकी कोई मिजराब ऐसा नहीं जो इन तारों को छेड़ सके, बाकी कोई चीज़ आवाज़ ऐसी नहीं जो दिल की दुनिया पर जाकर दस्तक दे सके। यहाँ बंद दरवाजे हैं, यहाँ सिर्फ अल्लाह पहुँचेगा, अल्लाह के रसूल का ताल्लुक पहुँचेगा, बाकी कोई चीज़ यहाँ नहीं जा सकती।